नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस राज में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। शहर के गांधी पार्क से शुरू हुई जन आक्रोश रैली पुरानी सब्जी मंडी गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के दौरान वसुंधरा गुट के नेता नजर नहीं आए। इससे पहले जन आक्रोश रैली को लेकर लगाए गए पोस्टर में भी वसुंधरा राजे गुट के नेता नदारद थे। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडम और जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई रैली के दौरान कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए गए। शहर के गांधी पार्क से शुरू हुई जन आक्रोश रैली पुरानी सब्जी मंडी गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है। इससे पहले गत वर्ष 16 दिसंबर को निकाली गई रैली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरह से नदारद रखा गया था। इसके बाद सोमवार को एक बार फिर से पूरी रैली के दौरान वसुंधरा गुट नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद रैली में कहीं भी वसुंधरा राजे के समर्थकों की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। इससे पहले जिले भर में जन आक्रोश रैली को लेकर लगाए गए पोस्टर से भी एक बार फिर से वसुंधरा राजे का फोटो नदारद दिखा। वैसे तो मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, आवाज से दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप सब आए तो मैं अपनी बात कहूंगा। हमारे धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रवण वर्मा जी, हमारी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और धौलपुर की विधायक आदरणीय शोभा रानी जी, हमारे पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई दिसंबर जी, आदरणीय मोतीलाल मीणा जी, भाई सजी और कार्यक्रम के संयोजक भाई कमल पाड़िया जी, कुक्कू शर्मा जी और सभी पदाधिकारी जो मंच पर खड़े हैं, और मंच के समक्ष विराजमान धौलपुर जिले के कोने कोने से आए हमारे पार्टी के स्तंभ सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चिलचिलाती धूप में जब व्यक्ति घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, उसमें आप लोग हजारों की संख्या में धौलपुर पहुंचकर इस कांग्रेस सरकार की नींद को खोलने का काम कर रहे हैं। लोधी क्षत्रिय एम्प्लाइज एसोसिएशन लक्ष्य का 25वां वार्षिक अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड धौलपुर में रजत जयंती के रूप में आयोजित किया गया। लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह, IRS निजी सचिव, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्षा लोधी लक्ष्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मानपाल सिंह, फूल सिंह नरवरिया, यशपाल सिंह राजपूत आगरा, उदय सिंह लोधी ग्वालियर, महेश चंद लोधी गुड़गांव रहे। इस कार्यक्रम समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नव नियुक्त कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों, नव चयनित नीट एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अमरपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। श्रीमती वर्षा लोधी लक्ष्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने रजत जयंती के अवसर पर छात्रों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित किया। प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिक्षाविदों व वक्ताओं ने समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित किया। छू लो आसमान, किसने रोका है, कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश लोधा लक्ष्य जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, महामंत्री गिरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह, कोमल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूरन सिंह, अतर सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, संरक्षक के रूप में देव सिंह लोधा, पूर्व विकास अधिकारी बदन सिंह, पूर्व नायब तहसीलदार संतोष कुमार, शारीरिक शिक्षक कमल सिंह, बजेंद्र सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य नरेंद्र राजपूत, गजेंद्र सिंह, राम सनेही, प्रधानाध्यापक नेमीचंद, दिनेश चंद्र, अमीरी सिंह, राजेश कुमार आदि के साथ साथ लगभग 500 छात्र छात्राओं और अभिभावक गण उपस्थित रहे।
धौलपुर सोमवती अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर सरोवर की परिक्रमा में आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे कृष्ण आदि कृष्ण भक्ति के गीत भजनों के साथ पुरुष एवं महिलाओं की टोलियों ने सरोवर में डुबकी लगाकर परिक्रमा लगाकर अर्पण तर्पण कर देव पितरों की पूजा अर्चना की। कोरोना काल के बाद मचकुंड सरोवर में पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया। सोमवार प्रातःकाल मोनी सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा ध्वज के साथ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल एवं भंडारों का आयोजन किया गया। बालिका आत्मरक्षा के क्षेत्र में धौलपुर राजस्थान का सिरमौर है। उक्त वक्तव्य जिला कलेक्टर ने कहे। जिला कलेक्टर जयसवाल टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित नागरिक अभिनंदन में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज धौलपुर जिला बालिका आत्मरक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित किए हुए है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना गौरव की बात है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशन में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए उनके द्वारा की गई मॉनिटरी काबिले तारीफ है। आज शिक्षा में धौलपुर जिला राजस्थान की प्रथम पंक्ति में आ गया है। इसके लिए निश्चित रूप से ही उनके प्रयास है जो कि कारगर साबित हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा ब्लैक बेल्ट खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग सचिव माता प्रसाद शर्मा कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद द्वारा स्मृति चिन्ह देकर जिला कलेक्टर का नागरिक अभिनंदन किया गया। मंच संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। संकल्प परियोजना अंतर्गत स्किल सर्वे एवं स्किल अवेयरनेस कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की संकल्प परियोजना के अंतर्गत स्किल सर्वे एवं स्किल अवेयरनेस कार्यक्रम का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा किया गया। जिला धौलपुर जिले में यह कार्यक्रम ग्रामीण गालव युवा विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में जगह जगह कैंप लगाकर युवा बेरोजगार युवक युवतियों से पूर्व से ही संचालित प्रशिक्षण केंद्रों पर या स्थानीय मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनकर जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार मिल सके उसके लिए पंजीयन कराया जाएगा। इसी क्रम में ग्रामीण गालव युवा विकास समिति के अध्यक्ष महावीर त्यागी द्वारा आज से कैंप का आयोजन प्रारंभ करवाया। कैंप में मुख्य अतिथि रोहित बोहरा विधायक राजाखेड़ा अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह जिला समन्वयक संकल्प परियोजना एवं मोनू जादौन राजकुमार तोमर नागेश कुशवाहा साकेत बिहारी शर्मा जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद शर्मा महावीर त्यागी विनोद त्यागी रणवीर भारत आकाश एवं अन्य संस्था प्रतिनिधियों के साथ ग्राम समुदाय की भारी संख्या में जन समुदाय ने भाग लिया। कैंप में मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियां ज्यादा से ज्यादा पंजीयन करावें तथा योजना का भरपूर लाभ उठाएं। इससे जिले में व्याप्त बेरोजगारी को सिरे से दूर किया जा सके और योजना का उद्देश्य सार्थक हो सके। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक ई स्कूटी ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी भसेड़ी सरमथुरा सेतौ राजाखेड़ा मनिया मरीना बसई नवाब कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान प्रगतिशील इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है।
with best faculties, CBSE affiliated school, AVM Convent School and Kids International Play School. Fully AC with smart class. Ghantaghar Road, Dholpur. Admission open. धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में पूर्व पार्षद के बेटे ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मानसिक तनाव में आए युवक के सुसाइड करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृत दर्ज की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद निनू आराम के बेटे प्रवीण कुशवाहा ने अपना फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई ने बताया कि प्रवीण शहर में जगन तिराहे पर गन्ने के जूस की दुकान चलाता था। रविवार शाम को उसका भाई दुकान बंद करके घर पहुंचा और पूरे परिवार के साथ खाना खाया। इसके बाद अपने कमरे की कुंडी लगाकर छत पर घूमने के लिए चला गया। रात 2 बजे तक वह छत से नीचे नहीं उतरा तो परिजन छत पर पहुंचे, जहां वह फंदे से लटका हुआ मिला। श्री श्री 1008 हरिदास बाबा की समाधि पर आज गांव के लोगों की एक बैठक की गई, जिसमें सभी गांव के लोग पंच पटेल मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 6 जून 2022 को श्री भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और श्री पंचम गिरी महाराज जी पधारे और उन्होंने अपना सुझाव रखा। बैठक में सभी गांव के लोग मौजूद रहे। बहादुर सिंह कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल कुशवाहा, फूल सिंह, पूरन सिंह, बच्चू सिंह कुशवाहा, सोवरन सिंह कुशवाहा, कुंदन सिंह और भी लोग मौजूद रहे। सरानी खेड़ा से उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। समाधि पर हमारे कई दिन से एक महात्मा तप कर रहे हैं, तो यहाँ आसपास गए सभी लोग, कई गांवों के आदमी इकट्ठे हुए। सभी लोगों ने कहा कि ये महात्मा जी तप कर रहे हैं तो यह एक बड़ा भंडारा भी होना चाहिए। तो महात्मा जी है एक पंडित महाराज को श्री फल दिया है, तो सभी लोगों ने कही कि हम इस भंडारे को सफल करेंगे। तो यहाँ इतने महात्मा आए, उन महात्मा को सबको बुलाया जाएगा, यह एक सफल होगी। बड़े प्रेम से सभी लोग इस यज्ञ को सफल करें। बोलो। मेरा नाम नवल सिंह कुशवा, गांव मापल का अपना ग्राम पंचायत प्रेरणी, तहसील सैपो, थाना सैपो, जिला धौलपुर, राजस्थान। आज हरिदास बाबा एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा हरिदास बाबा के भागवत के उपलक्ष्य में जोड़ी गई, जिसमें निर्णय किया गया कि सभी लोग भाग लेंगे और भागवत को सफल बना देंगे। ये 6 जून से भागवत बैठेगी, इसकी कमेटी बना रहे हैं। हमारे गुरु जी आए हैं और 12-14 गांव के आदमी हैं, वो ये संगठन बना रहे हैं कि भाई कैसे जी भंडारा सफल हो। ये है हिंदू धर्म की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि जो अपना धर्म, माँ, बहन, बेटी, संसार की एक समान होनी चाहिए। सुहागन महिलाओं द्वारा की जा रही बट सावित्री पूजा। सुहागन महिलाओं की लोक आस्था का पर्व बट सावित्री पूजा सोमवार को ग्राम पंचायत बोधपुरा के राजस्व गांव बगचोली खार बड़ा गांव में देखने को मिली। इस दिन महिलाओं द्वारा बड़े ही भावपूर्वक वट सावित्री पूजा एवं सोमवती मोनी अमावस्या संपन्न की। इसके लिए सुहागन महिलाएं एक दिन पूर्व ही पूजन सामग्री खरीद कर लाती हैं और सोमवार सुबह होते ही पवित्र स्नान आदि कर सुबह मौन धारण कर पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद सोहला श्रृंगार से सज धज कर दुल्हन के रूप में वट वृक्ष, मंदिर आदि जगहों के समक्ष बैठ कर अनेक प्रकार के फल, मिठाई, पकवान लेकर पूजा अर्चना करती है। इस मौके पर नीतू देवी ने बट सावित्री पूजा के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। नीतू देवी ने बताया कि मान्यता है कि आज ही के दिन सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, जिसे लेकर मान्यता है कि हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं, जो हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष को कच्चे धागे को हाथ में लेकर लपेटते हुए 12 बार परिक्रमा करती हैं।
और पति को बांस से बने पंखे से झलकर दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राजाखेड़ा नगरपालिका में दो वार्डो में हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित कर दिए गए। दोनों ही वार्डो में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भाजपा उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अंकिता राठौर ने 549 मत मिले हैं, जिसके मुकाबले भाजपा प्रत्याशी माधुरी को महज 93 मत मिले। इस पर वार्ड नंबर 7 में अंकिता राठौर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी माधुरी को 456 वोटों से हराकर जीत हासिल की। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस प्रत्याशी जहूर खान ने भाजपा प्रत्याशी को 62 मतों से हराकर जीत हासिल की है। उन्होंने बताया वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस प्रत्याशी को 272 और भाजपा प्रत्याशी को 210 मत मिले। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में हुई मतगणना के बाद विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। राजाखेड़ा में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।